गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज की क्लास में आप सब लोग नंबर सिस्टम से क्लास नंबर 12, जिसमें आप लोग भाजक या विभाजक कहिए कि संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, आइए बातों को समझिए और प्रश्नों को बिल्कुल आसानी पूर्वक बना दीजिए। देखिएगा, प्रश्न संख्या आपको एक दिख रहा होगा, क्योंकि लिखा हुआ है 10 कितने प्रकार की संख्याओं से विभाजित होगा। इसका मतलब हुआ कि 10 में जो हम भाग दे सकते हैं वो कितने प्रकार के संख्याओं से दे सकते हैं। तो बहुत छोटा है 10, इसलिए आप इसको जैसे मन वैसे बना डालिए। जैसे 10 है तो आप विचार कीजिए कि 10 में कितना कितना से भागा लग सकता है। जैसे आपका 10 है तो इसमें भागा हम चाहेंगे तो 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 5 से दे सकते हैं और खुद 10 से दे सकते हैं। इस तरह से आपको जो 10 है वो 1 से कटेगा, 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। तो कुल कितना काउंटिंग कर लीजिए जी, कितने संख्या से 10 में भाग लगा तो आपको उत्तर हो जाएगा 4। ये देखिए छोटा था तो इसको हमने क्या किया, सोच के निकाल दिया। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको 10 दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, सुन लीजिए। 10 को आप अभाज्य गुणनखंडन कर दीजिए, 2 × 10 हुआ और आप देखिए 2 × 5 लिख दीजिए। अब आप देखिए चेक कीजिएगा कि 2 की पावर 1 है और 5 की पावर भी आपका 1 है। अगर अभाज्य गुणनखंड करने की बात करेगा तो आपको जितना भी पावर इसमें लिखा हुआ है उस पावर में आप लोग 1 जोड़ दीजिए। जैसे 2 की पावर 1 है तो आपको 1 है तो 1 × 1 2 कर दीजिए, 2 × अब देखिए 5 की पावर 1 है इसका भी आप 2 कर दीजिए तो 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका 4। आपका जो उत्तर हो गया कि 10 को विभाजित करने वाली जो कुल विभाजक होंगे वो कितना होंगे, 4 होंगे। दैट इज क्या हो गया आपका, ही आंसर हो गया। बहुत ईजी है, आसानी से आप समझ पाएंगे। अगर आप इसको और समझिए कि अगर इसी सवाल में पूछ देगा कि ऑड डिवीजर पूछ देगा, मतलब विषम विभाजक पूछ दे या भाजक जो कहेगा, तो आपको करना क्या होगा, इसमें सम को छोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए 10 को तोड़ने के बाद आपको 2 × 5 मिला था। अगर ये ऑड कहेगा तो 2 को काउंट हम नहीं करेंगे, केवल जो विषम होंगे उसके पावर को देखेंगे। तो 2 × 5 में जो 5 है वो विषम है, जिसका पावर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, बस उसको पावर आप 2 कर दीजिए 1 प्लस करके, बस आपका यही उत्तर हो गया। ऑड जो विभाजक होंगे वो सिर्फ 2 होंगे। अगर इसी में आपको अगर आपको इवन पूछ दे, इवन डिविजर, आप क्या करेंगे, कुछ मत कीजिए। अगर सम पूछेगा, सम कह देगा तो आपको टोटल आप निकाल चुके कितना, 4 था, 4 में से 2 आपका का है विषम है, तो समझिए कि 2 का हो गया आपका सम हो गया, दैट इज आंसर हो गया। तो चलिए सबसे पहले आप देख लीजिएगा कुल विभाजक निकालने सीख जाइएगा, उसके बाद आपको सम और विषम, तो अगर विषम कहेगा तो सम के जो पावर होंगे उसको वहीं छोड़ देंगे, सिर्फ विषम के पावर को एक बढ़ा देंगे। तो मात्र 5 था विषम, 1 बढ़ाए तो 2 हुआ, और अगर इवन कहेगा तो टोटल में से सम हटा देंगे आपका 2 बच जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आराम से इसको आप सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेम सवाल है, बहुत इजी। अब आपको दिया है कि 50 के दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, 50 जो है वो कितने प्रकार के संख्याओं से विभाजित होगी। तो भाई आपको कुछ मत कीजिए, आप एकदम सिंपल में आइए,
आप 50 लिख लीजिए आराम से। 50 लिखने के बाद देखिए आप इसको अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए ऐसे, दूसरे देखिए कितना हो जाएगा 25, 5 से 50 हो गया, यानी आपने जो लिखा इसको 2×5×5 लिखा। अब देखिए 2 की पावर देखिए यहाँ पर 1 है तो आपको 2 रह दीजिए, लेकिन 5 देखिए 2 आया है तो 5 की पावर आप 2 कर दीजिएगा। अब देखिए 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, अगर यहाँ से हमको भाजक पूछेगा जी कुल भाजक मेरा कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा इसको देखिए 2 की पावर 1 है ना भाई, उसको 2 कर दीजिए, अब 5 की पावर 2 तो उसको 3 कर दीजिएगा, बस द्वितीय 6 का हो गया आंसर हो गया। चलिए बहुत आसान है, आसान से इसको बना सकते हैं, टफ नहीं भाई। यानी जो 50 जो है वो 6 प्रकार के संख्याओं से विभाजित होगी। अब देखिए अब चाहेंगे तो 50 को आप देख सकते हैं, हम अपने से मैनुअल भी चेक कर लीजिए थोड़ा सा अगर मन हो तो, जैसे भाग 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा, 10 से लगेगा, 25 से लगेगा और खुद 50 से लगेगा। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपको 6 आ गया। तो आप ऐसे लिखना नहीं है, आप गुणनखंड करके ही सीखिए अच्छा रहेगा। अब आइए प्रश्न 3 देखिए, 60 कितने प्रकार के संख्याओं से भाई, तो सेम सवाल है 60 भाई, 60 क्या करेंगे हम लोग, 60 को तोड़ देंगे। देखिए तोड़ेंगे 2 से 30, 15, 3×5, 15। अब देखिए 2×2 है तो 2 के पावर 2 लिख दीजिए, 1×3 लिख दीजिए और 1×5 लिख दीजिए, यानी इसका पावर 1 का खो गया। अब आप विचार कीजिए कि भाई ये विभाजन होगा, भाजक होंगे कितने होंगे, हमको बताया गया है कि जो भी विभाजन माने अभाज्य गुणनखंड होगा सबके पावर में 1 ऐड कर दीजिए। यहाँ देखिए पावर 2 दिख रहा है, इसको आप लिखिएगा कितना भाई, आप इसको लिख लीजिए 3, गुना कर दीजिए, ये 3×1 दिख रहा है, आप इसको लिख दीजिए 2, 1 बढ़ा करके, और यहाँ 5×1 है इसको 2 कर दीजिए, बस 3×2=6, 2 कितना हो जाएगा 12, दैट इज आंसर हो गया। बहुत ईजी है, आसान तरीका सब सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आगे चौथा देखिए, चौथा भी बहुत ईजी है, लेकिन अब उसको एक बार मेरे साथ बना लीजिए वो अच्छा रहेगा। देखिए 100 है ना भाई, तो 100 को आप क्या कीजिए, 100 को तोड़िए पहले 2 से 50, 25 और 50, 25 कितना हो गया 2×2 और 5×2। अभी कितना जाएगा भाई, आपको जब 100 का पूछेगा तो 2×1 कर दिए, कितना जाएगा 2×2 है ना भाई, 1 बढ़ाइए, आपका हो जाएगा 3, और 5×2 है इसको बढ़ाइए जाएगा 3, 3×3 कितना हो जाएगा 9। जो 100 है वो 9 प्रकार की संख्याओं से विभाजित होगी। अब देखिए नंबर 5 और अंतिम, एकदम इम्पोर्टेंट है, इजी है, लेकिन आप बना सकते हैं। ये देखिए दिया है 6000, आपको डरना इसलिए नहीं है कि बहुत इजी है, इसको आप आराम से इसको बना लीजिए। इसे लिखा हुआ है 6000, तो हम लोग क्या करेंगे, इच्छा तोड़ेंगे, तोड़ने आपको सीखना चाहिए, अगर आप नहीं तोड़ सकते हैं तो आपको एक ही और बता दें, तोड़ने भी आपको कई तरीका से इसको बता देंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना लगे, अभी आप एकदम थोड़ो सीखिए। चलिए 2 से तोड़िएगा, ये देखिए यहाँ पर 3000 हो गया आपका, ये फिर 2 से तोड़िएगा, ये हो जाएगा 1500 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िए हो जाएगा 750, फिर 2 से तोड़िएगा, 2×3=6, 14×2=10, 375 हो गया। अब 3 तोड़िएगा, 3 से 3×3=6, 3×5=15, आइए 5 तोड़िएगा,
पच्चीस और पचहा पच्चीस। देखिए इसको हमने क्या लिखा, दो कै गो है, दो आपको देखिए चार को दिख रहा है, दो के पावर आप चार कर दीजिए, तीन देखिए कितना दिख रहा है, तीन, तीन आपका ए को दिख रहा है, और पाँच दिख रहा है कै गो भाई, तीन को दिख रहा है। अब एक काम कीजिए, बनाएंगे इसको बाद में, आप इसको और तोड़ने से यही तरीका से, अगर मान लीजिए ये आपको ऐसे लंबा लगा और आपको अगर जानकारी हो जाता है तो आप इसको शॉर्ट में तुरंत कैसे तोड़ पाइएगा उसको आप सीख लीजिए, तुरंत हो जाएगा। इसी छः है, छः रह दीजिए, प्रत्येक जीरो के लिए आप गुने दस गुने दस गुने दस लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए छः को तोड़ दीजिएगा तो दो गुने तीन हो गया, दस तोड़िएगा तो दो गुने पाँच हो गया, फिर एगाओ दस है तो दो गुने पाँच हो गया, एगाओ दस है तो दो गुने पाँच होगा, तुरंत टूट गया। अब जोड़ लीजिए, दो देखिए एक दो तीन चार, दो के पावर चार है, तीन अकेला है, अब पाँच के पावर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। चलिए आप ऐसे भी तोड़िएगा तो सुखी रहेगा, याद रखिए। अब बताइए जब आपको विभाजन की संख्या निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, जो पावर आपको चार दिख रहा है आप उसमें एक ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा पाँच, तीन के पावर एक दिख रहा है उसको दो कर दीजिए, और पाँच के पावर तीन दिख रहा है उसको आप चार कर दीजिए। आइए पाँच दूनी दस चौका चालीस, ये क्या होगा आपका कुल विभाजन की संख्या, कुल भाजक की संख्या, इतना आया कितना आया चालीस आ गया। अब आप क्या करें इसको, यहाँ तक तो कर लिए, अगर इसी में आपको सम पूछता, मान लिया विषम पूछता, तो आपको कुछ नहीं करना था, अगर विषम भाजक पूछे कि विषम संख्या कितना उसमें होता, तो आपको करना क्या था कि देखिए दो के पाँच चार सम है, इसको आप छोड़ दीजिए, तीन और पाँच देखिए विषम है तो तीन के पावर कितना करेंगे एक है तो दो कर देंगे, और पाँच के पावर तीन तो चार कर देंगे, तो चार दूनी आठ हो गया। अगर विषम कहेगा तो आपको आठ लिख देना था, ठीक। अगर आप विषम निकाल लेंगे और इसी में आपको कह दे कि सम भी निकालिए, क्या निकालिए सम भी पूछ देगा, तो सम के लिए आपको क्या करना था, कुछ नहीं करना था, सम भाजक अगर पूछ देगा तो आपको कुल पता है चालीस है और विषम उसमें देखिए आठ है, तो चालीस घटाओ आठ कर दीजिएगा तो बत्तीस जो आपको निकलेगा वो आपको सम निकलेगा, उत्तर हो गया। चलिए इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप जरूर सीख गए होंगे विभाजन की संख्या यानी भाजक की संख्या और थर्ड डिवीजर की संख्या निकालना। आइए आप लोग यहाँ तक सीख चुके हैं, अब कुछ प्रश्न आप खुद घर में बना के देखेंगे या बना पाए कि नहीं, और आपको करना क्या होगा कुल भाजक निकाल लीजिएगा, कुल भाजक निकालिए, कुल भाजक के बाद जो है आप उसको विषम भाजक निकालिए, अच्छा रहेगा विषम भाजक, और अंतिम में आप जो है सम भाजक भी निकाल लीजिएगा। अगर तीनों निकालने आपको आ जाता है तो कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। सवाल नंबर एक देखिए आपके लिए है, एकदम सिंपल, आप निकालेंगे अस्सी का, अस्सी कितने प्रकार की संख्या से विभाजित होगी और यानी कुल भाजक कितने होंगे, विषम कितने होंगे, सम कितने होंगे, आप इसको बना करके कमेंट करेंगे। सवाल टू ले लीजिए 150, सवाल तीन ले लीजिए 200, सवाल चार ले लीजिए 500। चलिए अभी चार प्रश्नों को बना करके आप मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे कि बना कि नहीं बना, अब बना पाए कि नहीं। चलिए सबको धन्यवाद, अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद, दैट्स ऑल, ओके।